good morning dear students in this video we will discuss about a cardiac disease condition that is the pericarditis and pericardial effusion see what is the pericarditis peri means around cardiac means heart itis means inflammation so you can say pericarditis means inflammation in a layer surrounding the heart means a layer which present which presents around the heart means the outermost layer you can say of the heart is inflamed it's condition this condition is called pericarditis means the inflammation of pericardium layer of heart is called pericarditis uh, we already discussed about the structure of heart in anatomy and physiology you can see in another videos of anatomy of heart uh, the wall of heart is composed by three layers outer layer middle layer or inner layer the outermost layer is called pericardium middle is the myocardium and inner layer is the endocardium so pericarditis is the inflammation of outermost layer of the heart is pericardium pericarditis also cos pericardial effusion what is the pericardial effusion when the fluid will accumulate within the pericardial cavity which present within the pericardium layer a space which present within a uh, you can say <clears throat> a blank space or a cavity which present within the pericardial cav layer pericardium layer is called pericardial cavity and the fluid which filled within this cavity is called pericardial fluid if the amount of this fluid is increased too much uh, from the normal level, uh, normal volume, it's this condition is called pericardial effusion. See, this is the pericardium layer of heart means a pouch represents around the heart, or you can say a pouch the heart sits in, and it's pericardium composed by two sac, fibrous sac and serous sac that are fibrous pericardium keep heart in place and serous pericardium, uh, then. कैविटी विच प्रजेंट विद इन दिस सीरस पेरिकार्डियम बिकॉज दिस सीरस पेरिकार्डियम कम्पोज बाई टू लेयर्स पैराटल लेयर और विसरल लेयर एंड बोथ ऑफ दिस लेयर पैराटल एंड विसरल वी हैव ए ब्लैंक स्पेस मींस जो पैराटल और विसरल लेयर है इन दोनों के बीच में खाली जगह होती है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है और इसके पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूड फील्ड रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं लेट्स हर स्लिप अराउंड मींस ये हार्ट को एक फ्रिक्शन होने से बचाती है इसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है कि हार्ट के अंदर जब हार्ट बीट करे तो वहाँ पर फ्रिक्शंस ना हो बट पैरिकाटल फ्यूजल कंडीशन में क्या होता है इस कैविटी के अंदर इस फ्लूड का अमाउंट बढ़ जाता है नॉर्मली इस फ्लूड इस कैविटी के अंदर थर्टी टू फिफ्टी एम ऑफ फ्लूड अमाउंट प्रजेंट होता है बट पैरिकाटल फ्यूजल कंडीशन में ये फ्लूड का अमाउंट बढ़ जाता है सो सी दॉजेज और यूटोलॉजिकल फैक्टर ऑफ्यूट पेरिकार्डाइटिस फर्स्ट वन यूजली आइडोपैथिक्टजेज नहीं पता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है जो एग्जाम्पल है कॉसा कहीं बी वायरस ड्रेसलर सिंड्रोम ड्रेसलर सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जो कि माइकॉर्डाटिस की, की वजह से होता है या माइकोडम इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है जिसमें कि ड्रेसलर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो इंफ्लोमेशन है माइकोडम लेयर से होते हुए वो पेरियाकार्डियम की सीरस सैक के अंदर चला जाता है मीन्स पैराटोल लेयर के अंदर हो जाता है जिससे कि वहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सिक्रेशन होना फ्लूड का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट वन इटोलॉजिकल फैक्टर इज यूरोमिक पैरिकार्डाइटिस मीन्स अगर यूरिया लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर जिसकी वजह से आ, जो पैरिकार्डियम लेयर है जो सीरस सैक है उसके अंदर थिकनिंग बढ़ने लग जाती है इन्फ्लामेशन होगा इन्फेक्शन होगा जिससे उसकी थिकनिंग बढ़ जाती है काफ़ी मोटा हो जाता है और वहाँ पर वाइट वर्ड सेल्स का अमाउंट बढ़ जाता है फाइब्रस ट्रेनिंग हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्रेशन होने लग जाता है फ्लूड का ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से यानी कि हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को खाना स्टार्ट कर देती हैं इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारी बॉडी की हेल्दी सेल्स के ऊपर और यही अटैक अगर पेरिकार्डियम टिश्यूज़ के अंदर होने लगे तो पेरिकार्डियट तो,

जो सेल्स का अमाउंट है वो भी बढ़ मीन्स विसरे लेयर में जो एपिथिलियल सेल्स हैं जिनका काम होता है सिक्रेशन करना उनका अमाउंट बढ़ता चला जाता है जैसे ही अमाउंट बढ़ता चला जाएगा तो इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूड का अमाउंट भी बढ़ने लग जाता है मीन्स लेयर जितनी भी थिक होने लगेंगी वहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूड का सिक्रेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर पेरिकार्डियल फ्यूज़न कॉज होता है मीन्स फ्लूड पुल्स यू कह सक आप कह सकते हो मीन्स ऐसा लगता है जैसे कि हार्ट एक फ्लूड के अंदर स्विम कर रहा है अगर इको देखोगे तो इको में आपको ऐसा लगता है जैसे हार्ट अपनी जगह पर स्विम करने लग रहा है फ्लूड का पॉमिशन होता है एक पाउच फॉर्मेशन होता है इफ द पेरिकार्डिल फ्यूजन गैट्स बिग इट पुट्स प्रेशर ऑन द हार्ट और जिसकी वजह से हार्ट है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता मीन्स रेसिडिटी आ जाती है और इस कंडीशन को कहते हैं टेम्पोनेड कार्डिक टेम्पोनेट फिजियोलॉजी कांट फिल विद ब्लड प्रॉपरली क्योंकि हार्ट को जब डिलीट नहीं हो पाएगा पूरा प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से तो वहाँ पर कार्डिक टेम्पोनेट कंडीशन कहते हैं इस कंडीशन को हम इफ इंफ्लामेशन विद इन द पेरिकार्डाइटिस इम्यून सेल्स फाइब्रोसिस मीन्स एक तो इन्फ्लामेशन हमने देखा जिसमें कि उसकी वॉल्स थिक हो गई थी अगर वहाँ पर इंफ्लामेशन के साथ साथ इन्फ्लामेशन इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा होगा तो इम्यून सिस्टम क्या करता है फाइब्रोसिस कॉज करता है मीन्स वहाँ पर फाइब्रस टिश्यूज का फॉर्मेशन होने लग जाता है जो फाइब्रस सैक था वो टिश्यूज़ सीरस सैक के अंदर चले जाते हैं और पैराइटल विसरल लेयर के ऊपर फाइबर टिश्यूज़ का डिपोजिशन होने लग जाता है जिससे कि वहाँ पर पैराइटल लेयर जो है विसरल लेयर जो है वो स्टिफ हो जाती हैं रिजिड हो जाती हैं और ये हार्ट को एक तरह से कंजस्ट कर लेता है हार्ट अब बीट नहीं कर पाता इसे कंजस्टिव पेरिकार्डाइटिस कहते हैं ओवर टाइम इट बिकम हार्ट फॉर हार्ट टू रिलैक्स और एक्सपेंड और इससे क्या होगा स्ट्रोक वॉल्यूम वो डिक्रीज होने लग जाए कंटिन्यूअसली कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होगा हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगी मीन कार्डिया होने लग जाएगा पेशेंट को सिमिलर टू टेम्पोनेट फिजियोलॉजी बिल्कुल वैसा ही जैसे कंडीशन में होता है सिम्टम्स मेन सिम्टम्स आर फीवर चेस्ट पेन वर्स हैवी ब्रीथिंग बेटर सेटअप लिंग फॉरवर्ड लार्ज पेरिकार्डियल इफ्यूजन कंडीशन में हार्ट रेट हार्ट साउंडस है वो डिक्रीज होने लग जाएंगे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने लगेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा लो ब्लड प्रेशर एंड डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक वैल्यूशन फॉर द पैरिकार्डिटिस कार्डिट कंडीशन पहले थिकेंड वॉल लेयर रब मीन्स हार्ट साउंड को सुन करके हम पता करते हैं कि हार्ट की वॉल थिक तो नहीं होगी अगेंस्ट ईच अदर फ्रिक्शन रब हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहाँ पर साउंड कैसे मरमर साउंड आ रही होंगी दूसरा होता है ईसीजी. ईसीजी में हम देखेंगे कि जो टी वेव है वो एलिवेट हो जाती है पहली फर्स्ट स्टेज होगी उसमें टी वेव एलिवेट होगी और पी पी आर वेव है वो डिप्रेस हो जाती है और नेक्स्ट अगर स्टेज टू है तो टी वेव फ्लैट हो जाती है अगर थर्ड स्टेज है तो टी वेव डाउन चली जाती है और फोर्थ स्टेज में टी वेव्स और पूरा चीज़ नॉर्मल रहता है बट पेरिकार्डियल फ्यूजन कंडीशन में जितने भी सेगमेंट्स हैं पी क्यू आर एस एंड टी सारे के सारे डिप्रेस्ड रहते हैं मींस वो कंप्रेस हो जाते हैं हार्ट कैन नॉट पंप प्रॉपरली मीन्स हार्ट के अंदर प्रॉपर बीट्स नहीं आते वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है नेक्स्ट है एक्सरे अगर चेस्ट एक्सरे लोगे तो आपको जो कार्डिक रीजन है पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है जहाँ पर स्टर्म के जस्ट पीछे हर्ट प्रेजेंट होता है वहाँ पर वाटर बॉटल साइन आपको दिखाई देगा मीन्स ऐसे लगेगा जैसे एक बॉटल लार्ज बॉटल वहाँ पर फील्ड है पेरिकार्डियल फ्यूजन कंडीशन में इकोकार्डियोग्राम करते हो तो आपका हर्ट स्विम करता हुआ नजर आता है मीन्स आप देख सकते हो डायग्राम में आ, एक वीडियो में कि हर्ट कंप्लीटली ऐसे लगता है जैसे अपनी जगह पर स्विम कर रहा है वो प्रॉपरली एक रिदम में बीट नहीं करता है ट्रीटमेंट है पेन रिलीवर्स एनॉल जैसे मेडिकेशन देंगे पेशेंट को नॉन एस्टोरेटल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे कॉजेज ट्रीट करेंगे जो भी कर, जैसे कि एरिकाडल फ्यूजन कंडीशन में क्या होगा पेशेंट के बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एक्मिलेट हो जाएगा मीस जगह जगह एडिमा हो जाता है तो उस पेशेंट को लेसिक्स देंगे ताकि बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकाला जा सके यूरिया को कम करेंगे एनॉल कॉलिसिन एक ड्रग है जो कि कार्डिक टेम्पोनेट कंडीशन में दी जाती है मीन्स हार्ट को बीट करवाने के लिए जो हेल्प करती है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में नेक्स्ट इफ़ सीवियर कंडीशन सीवियर प्लूरल फ्यूजन कार्डियो फ्यूजन है पेशेंट को इन कंडीशन में क्या करते हैं पेरी कार्डियो सेंथेसिस करते हैं जिसमें क्या करते हैं निडल की सहायता से फ्लूड को ड्रेन किया जाता है कंस्ट्रक्टिव पेरीकार्डियो कार्डाटिस कंडीशन में पेरिकार्डियटोमी करते हैं जिसमें पेरीकार्डियम लेयर को रिमूव किया जाता है उसको सर्जरी करके रिपेयर भी करते हैं एक्यूट पेरिकार्डाटिस कॉज थे आइडियोपैथिक कॉज होते हैं वायरस की वजह से हो सकता है माइकॉटल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है रिजल्ट इन फ्रिक्शन रब एंड चेंजेस इन ई सी जी एक्ट पैरिकाटाट फेज़ वन में टी वेब एलिवेट होगी फिर टी वेब डाउन होगी फेज थ्री में फेज़ फोर में जाके नॉर्मल आ जाती है पेरिकाटल फ्यूज कंडीशन में पूरे वेब्स डिप्रेस रहती हैं सारे सेगमेंट्स डिप्रेस्ड रहते हैं सो एंड कॉन्स्ट्रक्टिव पैरिकाडाटिस के अंदर आप देखोगे फाइब्रोसिस की वजह से होता है मीन्स वहाँ पर फाइबर्स हैं वो के हार्ट की पेरिकार्डियल लेवर जो सीरियस लेयर है उसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट कर फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हार्ट की पेरिकार्डियल लेयर वो काफ़ी स्टिफ हो जाती है जिससे हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है सो दीज आर द शॉर्ट थिंग्स अबाउट द पेरिकार्डियल पेरिकार्डाइटिस और पेरिकार्डियल फ्यूजन दिस इज अ जस्ट रिव्यू वीडियो बिकॉज यू ऑलरेडी वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पेरिकार्डाइटिस इन डिटेल इन द क्लास